के लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बात सही है। बचाओ ना तभी हम लोग बच पाओगे। मेरा वीडियो देखिएगा, 28 से 30 टाका लगा लगा के बचा रहे हम लोग अपने जान पे। खेल इनको भी तो यही है ये जंप करने वाला स्नैक होता है। इसका पूंछ से झिन 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 आवाज आता है। जंप करता है। हाँ जी जंप करेगा। इसको जानते हैं? किसे भेजे तुमको? देखो करते में देखो। अजगर का बच्चा समझ के आदमी इसको हल्का ले लेता है। हजारीबाग के पुलिस लाइन में यहाँ स्टोर रूम में वो सामान निकालने के लिए मैं बाइक पर कुछ बता दिया था। इसी तरह लगता है और नहीं रहता ही तो इसी तरह में जब आपको 7 फीट तक के हम लोग पकड़े। एक काटने के लिए छोटा भी बच्चा है। बच्चा है इसमें? बच्चा है। छह महीना बोल दिया मार कर लगा था। एक ठो बस दो ही इटर दो सबको दिलवाया पूछे ना पहनता नहीं सब नहीं जाने इसका जहर कैसे निकाल के कहाँ बेचोगे बताओ? ऐसे आम चीज है कि बेचने के लिए सार आम चीज नहीं है भाई। इसके लिए कई लाख करोड़ का आपको व्यवस्था करना होगा। मशीन गवर्नमेंट का यहाँ पूरा मोहर लगेगा तब आप कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है अब निकलेगा नहीं भैया ये विशेला बहुत है फन मारने वाला है। वीडियो में फोटो दिखा देते हैं। फोटो देख लीजिए आप लोग देख रहे हैं ना। हाँ इधर शेयर चंदा भी बोलते हैं। शेयर चंदा बोला है चमड़वा का लाल होता है जो है ना इधर चित्ती बारी के नाम से लोग जानता है। शेयर चंदा भी बोलते हैं और ये पूरा विश्व जो है वाइपर के नाम रसल वाइपर के नाम। और इससे जो पूछ रहे थे ना कि फायदा क्या है तो जितने भी पेड़ पौधा है ना हमारे और ये जितने भी जीव जंतु हैं ये अगर नहीं बचेंगे ना तो इंसान एक सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर मधुमक्खी जितना भी है अगर उसका 25% भी संख्या अगर कम होता है तो हमारा और आपका चलते चलते मौत होना चालू हो जाएगा। पर्यावरण को बचा के कंट्रोल में रखने का यही वजह है। हर जीव जंतु को बचाना है किसी चीज़ को नष्ट नहीं करना। हम लोग कितना वाइपर को चैनल देखिएगा एम गोपाल आर्ट के नाम से मेरा चलता हजारीबाग उसमें हम लोग लगभग 25-30 टाका लगा के इसका ऑर्गेन पूरा बाहर निकला हुआ उसको लगा के 10-15 दिन गैस रख के उसको ठीक किए हैं फिर पर्यावरण में रिलीज किए। तो भैया हम लोग बचाने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं।
एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी जीव जंतु को नहीं मारना है, उसको बचाना है, उसको बचाना है। समझ गए। और यहाँ पे जैसे आप लोग कोई भी सामान जो है ना बिना जूता पहने हुए नहीं जाना। एक चीज है सर, जहाँ भी स्टोर रूम वगैरह आप लोग का है, बिना जूता प्रयोग किए हुए ये जैसे है ना आप लोग, इस तरह में क्या होगा, मान के चलिए ये जंप करने वाला स्नेक है। हाँ, ये जंप करने वाला स्नेक है। सबसे बड़ा नहीं, जहाँ है ना आपको पता ही नहीं चलेगा, ये एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक जंप करके बाइक कर देगा। और ये बड़ा दांत वाला सांप होता है, ये अंडा नहीं देता है, डायरेक्ट बच्चा को जन्म देने वाला है। इसमें वाइपर जितना भी है ना, डायरेक्ट बच्चा ही लगभग नहीं, ये नहीं खाता। कोबरा वगैरह जो है ना वो खाता। इसमें जितना बड़ा कद है इसका, ये 25 से 30 बच्चा को जन्म देगा एक बार। सामान नहीं मिल रहा है, जो हाइट इसका है वही 6 फीट का रहेगा, लगभग 80 से 85 बच्चा एक बार। तो हजारीबाग में इसका भारत में सबसे ज़्यादा हम ही लोग पकड़े हैं इसको, सबसे ज़्यादा हजारीबाग में। इसको काटने के बाद में क्या होता है, ज़्यादा लेट अगर आप किए तो आपका गैदरिंग होना चालू हो जाता है, सड़ सकता है। हाँ, अगर तो हम लोग का मिस, हम लोग को भी काटा था हमको 11 बजे रात को पकड़ने के टाइम, ये कोलंबस के पास में काट दिया था, यही तो पता है। तो हम लोग रहे 6 दिन सदर में, ये सब नेशनल पार्क। जितना भी जैसे नॉर्मल जो होता है तो कन्हरी भी छोड़ देता है हम लोग, धामिन वगैरह जो है ना, धामिन वाटर रचना की अभी कल ही तो पहली बार हम लोग कल 9 सांप छोड़े हैं परसों, जिसमें एक भी विषैला नहीं था। वो हाँ, वो कन्हरी के अंदर एक नदी है, बीच से वहीं पर सब नाव को छोड़े।